हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गोलू गुप्ता और माय चैनल नेम इज़ गोलू ट्यूटर। जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, ये मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग क्या करिएगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और आज हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किस टॉपिक पे? इंडियन पॉलिटी के ढेर सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, जैसा इंडियन पॉलिटी है उसका ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे। और ये सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी पेट में ही नहीं आएगा, बाकी और सारे एग्जाम में भी आएंगे। मतलब जितने एग्जाम होने हैं सब में ये आएगा ही आएगा, ऐसा है। देखिए, जैसे ये असिस्टेंट ग्रेड 1992 में पूछा हुआ है, ये टीचर्स एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वैसे ही सारे सारे पूछे हुए क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। कैबिनेट मिशन इंडिया में किसके द्वारा हेड किया जा रहा था? अब ये कैबिनेट मिशन क्या है ये जान लीजिए पहले। तो कैबिनेट मिशन बनाया गया था इंग्लैंड द्वारा। क्यों? क्योंकि पावर ट्रांसफ़र करना था। उस समय इंडिया को आज़ादी मिली थी, 1946 की करीब की बात है। उस समय इंडिया को आज़ादी मिलने वाली थी, तो आज़ादी मिलने वाली थी तो पावर तो ट्रांसफ़र करना था ना, तो वही पावर ट्रांसफ़र के लिए कैबिनेट मिशन बनाया गया था। ठीक, और इसके हेड कौन थे? हेडेड बाय लिखा ना, तो हेड थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन इंडिया में कौन हेड कर रहा था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाई। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान जो है, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का बना हुआ है, वो किसके द्वारा हेड किया, मतलब किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है ना? ये दिया है गवर्नर जनरल, नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, ये सही ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया ही गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। इन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये उस टाइम का पार्लियामेंट हुआ करता था, उस समय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं था। चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वही इंडिया के पार्लियामेंट का काम करता था, और इन्हीं लोगों ने मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ढेर सारे सोर्सेज जुटा जुटा के। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उस समय तो इंडिया डिवाइडेड नहीं हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान तो एक में था। वो कब डिवाइड हुआ था? 1947 में हुआ था, तो 1947 में डिवाइड हुआ था। उसके पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। इसमें जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो एक दिन के लिए मात्र प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो पहले मीटिंग को ही हेड करे थे। क्यों बनाया गया था उनको प्रेसिडेंट? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बूढ़े थे, तो उस समय एज के हिसाब से बनाया जाता था। तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को एक दिन के लिए इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके बाद से जो प्रेसिडेंट बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे, और वो इंडिया के प्रेसिडेंट आगे कंटिन्यू भी किए थे। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से इंडिया के भी प्रेसिडेंट आगे कंटिन्यू करते रहे। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे बी एन राव। ठीक है, तो बी एन राव को याद रखिएगा, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे या अम्बेडकर मार के आ जाएंगे, अम्बेडकर मारिएगा नहीं, बी एन राव थे उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का कुछ इस तरह से है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंसली सेटअप। अब जो पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किसके अंदर सेटअप किया गया था। अभी तो हम लोग पता चला था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, वो तो दिख रहा है आप लोगों को। अब कह रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो किसके अंदर बनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना वो कैबिनेट मिशन के अंदर ही बनाया गया था। जो अभी हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के बारे में जाना वो उसी के अंदर में बनाया गया था। वो भी कब बनाया गया था? 1946, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, 1946 में कैबिनेट मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट सेटअप इन, अब वही पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबको याद हो गया होगा अब तक, 1946 में बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था, 1946 में। और इसने 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल लिया, काहे लिए 2 साल 11 महीना 18 दिन लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो वही इसका पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949, यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉगुरल मीटिंग, वही इनॉगुरल मीटिंग एंड 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था उसी को इनॉगुरल मीटिंग कहा जाता था, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने प्रिसाइड किया, कौन उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। तो अभी तो बताया सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे पहले प्रेसिडेंट उसके बने थे, वही इनॉगुरल प्रेसिडेंट थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक, इसके बाद से जो है ये राजेंद्र प्रसाद जो तीसरे नंबर पे दे रखे हैं, इसके बाद से अगली बार जब सिटिंग हुआ था, अगली बार जो मीटिंग हुआ था या सिटिंग हुआ था जो भी समझ लीजिए, उसमें किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी उसका सबसे खतरनाक कमेटी था, उन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा प्रारूप बनाया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रारूप बना रखा था। तो इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर साहब जी, इसके चेयरमैन थे बाबा अम्बेडकर जी। ठीक, बाबा अम्बेडकर किसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरे मतलब केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद को फाइनली प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, तो यही हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो राजेंद्र प्रसाद ही प्रेसिडेंट थे। अगर ये भी पूछा जाए कि पहले प्रेसिडेंट इंडिया कौन थे, तो भी राजेंद्र प्रसाद ही हैं। ठीक, उसके बाद द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1968 सेशन हेल्ड, मतलब सबसे पहले इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का डिमांड एक इंडियन नेशन के सेशन में, इंडियन नेशन कांग्रेस का सेशन हुआ करता था, बैठक हुआ करता था, उसमें इन्होंने 1936 में ही किया था। तो वो सेशन 1936 वाला कहाँ हुआ था, ये सेशन हुआ था आपका लखनऊ में, लखनऊ का जो सेशन था 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें क्या किए थे, नेताओं ने बैठक की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था। ठीक, याद रखिएगा 1936 का जो सेशन था उसमें इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था और ये बैठक हुई थी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस मतलब किसके थ्रू, मतलब ये अपना जो डिसीजन लेता था वो किसके थ्रू लेता था। जैसे यहाँ दे रखा मेजोरिटी वोट, ये भी नहीं था, 2/3 मेजोरिटी, उस समय ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं थे, बस कंसेंसस हुआ करता था, लोग बोल देते थे हाँ ये कर लेना चाहिए, बैठ के मीटिंग होती थी, उसके हिसाब से फाइनल सॉल्यूशन पे आ जाते थे और फाइनली वो जो डिसीजन लेना होता था वो ले लेते थे। तो ये जो है ना बाई कंसेंसस के थ्रू इन लोगों का जो डिसीजन निकाला जाता था सारा का सारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज बाई, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब वो लोग बना रहे थे तो उसमें कौन सा ऐसा मतलब औजार था जो उन लोगों को बनाने में सबसे ज़्यादा मदद किया था। ठीक है ना, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो वो ब्रिटिश वालों ने लाया था उसमें ढेर सारे प्रोविजन थे, तो वही सारे प्रोविजन का इस्तेमाल इन लोगों ने अपने ड्राफ्टिंग करने में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में इस्तेमाल किया था, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल हुआ था। ये मोस्ट प्रोफाउंड पूछा है, वैसे सब जगह का कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ किया गया था, यूएस का भी, ब्रिटिश का भी और ये फ्रेंच का भी, और जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसीलिए आप यही सही करके आएंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही कौन सा है, गलत नहीं सही कौन सा है। आईएएस 2004 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को बनाया गया था और प्रोविंशियल असेंबली द्वारा इन लोगों को इलेक्ट करके बैठाया गया था। पहला ऑप्शन ही सही हो गया, ये सही है। आइए और देखते हैं और ऑप्शन किस तरह से गलत है। जैसे अगला दया जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल वेयर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल तो थे लेकिन जिन्ना इसके मेंबर नहीं थे, ये गलत हो गया। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इन जनवरी 1947। फर्स्ट सेशन आप लोगों ने अभी देखा कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यहाँ जनवरी 1947 दिया, ये गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। आप लोगों को सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन हमें अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये 26 जनवरी 1950 वाला ऐसे ही गलत हो गया। तो कंफर्म हो गया ना, पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिलान करने वाला, बहुत ही आसान है लेकिन ये आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, बहुत जगह पूछा जाता है ये। सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को क्या अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को आप लोगों का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो जाके 4 से मिलेगा, ये पहला ऑप्शन इससे मिलेगा। फिर जनवरी 24 जनवरी 1950 को आप लोगों को नेशनल सॉन्ग दिया जाएगा, ये दूसरा ऑप्शन ये होगा। 24 जनवरी 1950 में आप लोगों का ये होगा, नेशनल एम्बलम लाया जाएगा। हाँ, तो मैच द फॉलोइंग का आप अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि मैच करना है फॉलोइंग, मतलब कौन सा सही है, किस डेट को क्या हुआ था। जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले 22 जुलाई 1947 में, तो इसमें देखने सबसे पहले दिख रहा है कि भैया नेशनल फ्लैग लाया गया था इस डेट को, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग लाया गया था, यानी पहले का ऑप्शन होगा 4, पहले का ऑप्शन 4 यानी ये वाला सही हो सकता है या फिर ये वाला सही हो सकता है, ठीक, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, बाकी दो तो एलिमिनेट हो गया। तो सबसे पहले झंडा लाया गया, झंडा लाने के बाद से क्या लाया जाएगा, 24 जनवरी 1950, अगले डेट में क्या, गाना, गाना दिख रहा है, ये दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरे का पहला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन हम लोगों का ये पहला है, यहाँ पे दूसरा दे रखा, तो ये वाला ऑप्शन पहला ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन परमानेंट सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है अब गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें जो देख रहा है आप लोगों को, जो दूसरा ऑप्शन है वो पहला दे रखा है, तो इसमें ही दूसरा, चौथा और पहला दोनों मैच कर गया, इसके हिसाब से यानी पहला ऑप्शन सही हो गया। यानी तीसरा देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को क्या लाया गया था, 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का एम्बलम लाया गया था। एम्बलम जानते हैं ना, वो जो नोट पे बना रहता है, वो चार सिरों वाला, देखने से दो ही सिर दिखता है, दो उसके पीछे छुपा रहता है वो वाला, उसके बाद से जो कि सारनाथ है, जो कि अशोक चक्र से लिया गया है, ठीक। और ये 22 मार्च 1957 में सबसे लास्ट में क्या लाया गया, हम लोगों का कैलेंडर लाया गया, क्योंकि डेट की, डेट देखने की उसके पहले ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसके बाद से 22 मार्च 1957 में हम लोगों का कैलेंडर लाया गया। तो ये जो ऑप्शन ए दिख रहा है वही हम लोगों का सही है, पहले का चौथा, यानी इस समय सॉन्ग लाया गया, फिर उसके बाद से क्या, सॉरी, इस समय झंडा लाया गया, फिर सॉन्ग लाया जाएगा, सॉन्ग के बाद से क्या चाहिए, एम्बलम लाया जाएगा, कुछ प्रतीक चाहिए, प्रतीक के बाद से हम लोगों को कैलेंडर चाहिए, ठीक। बस ये चारों डेट आप लोग एक बार रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है, अगला क्वेश्चन 15वें नंबर का जो क्वेश्चन हो, कह रहा है प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आया था उसमें से, इसमें से कौन कौन सा उसका प्रिंसिपल फीचर्स, उसमें मतलब क्या क्या अडॉप्ट किया गया था। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको बोला जाता था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। और एक 1909 आया था जिसको मॉन्टे मॉर्लो रिफॉर्म कहा जाता था, उसमें इलेक्शन के बारे में प्रोविजन लाया गया था, और कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में भी 1909 में ही लाया गया था, यानी मॉन्टे मॉर्लो रिफॉर्म के टाइम पे। अब 1919 में देखिए क्या क्या लाया गया था, 1919 में डायरकी लाया गया था, यानी ये वाला तो सही है, क्योंकि यहाँ पर डायरकी दे रखा है, डायरकी मतलब डबल रूल, ये। उसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये आपका 1909 में लाया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह गलत है, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी देखिए दो किस्में, किस्में नहीं है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, दो इसमें भी है, लास्ट ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो गया। जो इलेक्शन से रिलेटेड कम्युनल इलेक्टोरेट से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो 1909 में लाया गया था मॉन्टे मॉर्लो रिफॉर्म के टाइम पे, तो यानी इसमें क्या क्या लाया गया था, डायर की, ये सही है। उसके बाद से डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ सेंटर टू द प्रोविंसेस, जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी था उसको भी डिसॉल्व किया गया था और कहाँ तक, प्रोविंसेस तक भी ले गया गया था। उसके बाद एक्सपेंशन किया गया था सेंट्रल एंड प्रोविंसियल लेजिस्लेटिव का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, बस इलेक्शन और सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट नहीं हुआ था इसमें, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गलत होते ही हम लोगों का ये सही हो जाएगा। अगर लास्ट का दो ऑप्शन नहीं भी पता हो तो भी एक आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा गलत है तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, बस यहाँ बचता है यहाँ दो नहीं था, तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
विच आर द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। भाई देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन किसके द्वारा लाया गया था? कौन सी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या मॉन्टेमार्लो रिफॉर्म भी इसको कहा जाता है। 1909 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें इलेक्शन का प्रोविजन लाया गया था। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जो था, वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया था। ये हम लोगों का, इसी से हम लोगों का क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट निकाला गया था। ठीक है, इसी में से फंडामेंटल राइट्स के कुछ रूल्स वूल्स निकाले गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं अब ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कौन सा नहीं सही है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला वर्ड कि कौन सा नहीं सही है ये पूछ रहा है। क्या क्या सही है ये नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं सही है ये पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर क्वेश्चन के लाइंस में जरूर देखिएगा, नॉट है या नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो सही है, कन्फर्म सही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इट कॉल्ड फॉर जस्ट फॉर राइट ऑफ माइनॉरिटी, हाँ ये माइनॉरिटीज के राइट के लिए ही बात करी थी उन्होंने। इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये कह रहा है ये गलत है। कह रहा है कि फंडामेंटल राइट के बाद से इसको लाया गया था, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन बना, उसके बाद से फंडामेंटल राइट बना था। इट कॉल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ऐसा ही सोशलिस्ट और सेकुलर पॉलिटी उस समय ऐसी कुछ बात नहीं कही गई थी। तो जो तीसरा और चौथा ऑप्शन है ये पूरी तरह गलत है, बाकी दोनों सही है। कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसने लाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, और उसके बाद से ये माइनॉरिटीज के लिए ही सिर्फ बात करी थी उन्होंने, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कहने का मतलब ये दोनों गलत ऑप्शन है, बाकी दोनों सही है। तो गलत ही तो पूछा था, कौन सा नहीं है, तीसरा और चौथा नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग आइटम इज रॉन्गली मैच्ड, इसमें से कौन सा कह रहा है गलत मैच किया गया है। पहला ही गलत है, देखिए ध्यान से। 9 दिसंबर 1947, अभी हमने आपको क्या बताया था, 1946 में पहली मीटिंग हुई थी, यहाँ दे रखा है 1947, तो ये ऐसे ही पहले ही गलत हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 ये डेट है जिस रोज हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। ठीक, 24 जनवरी 1950 ये क्या हुआ था, फाइनली इन लोगों ने साइन कर दिया था। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एकदम पूरी तरह कमेंसमेंट, मतलब जितने उसके रूल्स रेगुलेशन थे सब अलाउ कर दिए गए थे। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया था, तो वहाँ पे कुछ ही प्रोविज़न थे कॉन्स्टिट्यूशन के जो उस समय लागू किए गए थे। जैसे हम लोगों का इलेक्शन का प्रोविज़न था, क्योंकि इलेक्शन होना था। दूसरा, सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न था वो सारे, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो थे वो दो तीन ऑप्शन मतलब चालू किए गए थे। बाकी सारे के सारे क्या थे, सारे के सारे ऑप्शन को मतलब नहीं खोला गया था। वो कब स्टार्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन चालू लागू, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने रूल थे सब लागू कर दिए गए थे। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन आएगा उस पर भी, वही क्वेश्चन आ गया, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26 1949, यानी 26 नवंबर 1949 से कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कौन सा मतलब रूल फोर्स में उसी टाइम से आ गया था, कौन से प्रोविज़न मतलब उसी रोज से स्टार्ट हो गए थे। पहला तो सिटीजनशिप वाले, क्यों, क्योंकि ज़रूरी थे, सिटीजनशिप किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए ये चीज़ें। दूसरा, इलेक्शन से रिलेटेड जितने प्रोविज़न थे ये भी सारे, तो इलेक्शन से रिलेटेड जितने प्रोविज़न थे ये भी इसको उसी रोज से फोर्स में ला दिया गया था। तीसरा, प्रोविज़न रिलेटेड टू प्रोविजनल पार्लियामेंट, या प्रोविजनल पार्लियामेंट की ज़रूरत थी उस समय हम लोगों को, एक कोई तो पार्लियामेंट चाहिए ना, तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वही पार्लियामेंट हुआ करता था, उसी को प्रोविजनल पार्लियामेंट बना दिया गया था। तो इससे रिलेटेड जितने प्रोविजन थे उस समय से फिर से स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन फंडामेंटल राइट जो था वो 26 जनवरी 1950 के बाद शुरू हुआ था, यानी चौथा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी 1, 2, 3 तीनों सही है। अब 1, 2, 3 ऑप्शन कौन सा है, 1, 2, 3 सी ऑप्शन सही है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या क्या लाया गया था, इलेक्शन, सिटीजनशिप और प्रोविजनल पार्लियामेंट। याद रखिएगा, इलेक्शन था, सिटीजनशिप था, प्रोविजनल पार्लियामेंट था। अगला क्वेश्चन, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड बाई, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्राउन ने अपने हाथ में कब लिया था। सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय के बाद से जो था ना क्राउन जो है ना वो क्राउन जो है ना पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। ठीक, तो वो कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1857 की क्रांति के जस्ट बाद, याद रखिएगा 1857 की क्रांति के जस्ट बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें सही है। देखा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पहले ही दिख रहा है गलत है, तो पहला ऑप्शन किस में नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, दूसरा ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह रिटन है, सबको पता है, तो पहले ऑप्शन से ही हम लोगों को आंसर मिल गया। दूसरा और तीसरा, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आज लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1931, अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लार्जली किस एक्ट पे बेस्ड था, 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी पे बेस्ड था, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही होगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड सेकुलर स्टेट, मीनिंग कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलर स्टेट बनाया था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, स्टेट जो है जितने रिलीजन है सबको इक्वली ट्रीट करेगा, ठीक। फ्रीडम ऑफ फैथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल पीपल, फैथ और वर्शिप सबको दिया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलाउ नहीं है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे, जैसे गवर्नमेंट जितने होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें अलाउ नहीं है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाए, तो यहाँ पे सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा देखते हैं, द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस, ये भी सही है, स्टेट रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये भी सही है। पहला दूसरा और चौथा तीनों सही है, पहला दूसरा चौथा सही है, नहीं ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, लिखा पहला दूसरा चौथा सही है, यानी ऑप्शन सी सही है, तीसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है, सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकते हैं, कुछ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं, जैसे कोई माइनॉरिटी ने अपना खोला तो वो कोई रिलीजियस टीचर्स खोल रहे हैं अपना खुद का इंस्टीट्यूशन, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउ है, बाकी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने इंस्टीट्यूशन है उसमें अलाउ नहीं होता है, उसमें स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो देगा कि नहीं देगा, ऐसे मतलब रूल मतलब एकदम कंफर्म नहीं है कि देगा ही, ठीक है, नहीं भी दे सकता है, दे भी सकता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी, यही बताया ना, एम्बलम जो बनाया था उसको किससे लिया गया था, मौर्यन डायनेस्टी से, उससे कुछ पार्ट लिया गया था, वो कौन सा पार्ट था जो लिया गया था, वो लिया गया था फोर लाइन्स, एक साथ जो चारों लाइन अगल बगल चारों तरफ देखते रहते हैं, वो चीज़ एम्बलम में किससे लिया गया था, मौर्यन डायनेस्टी से लिया गया था, ठीक है। द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाई, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्रिएट कब किया गया था, जब क्राउन ने अपना रूल, क्राउन क्या किया था, जब क्राउन ने इंडिया पर रूल करना शुरू करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तभी से इन लोगों ने कौन सा प्रोविजन लाया, गवर्नर जनरल, पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब गवर्नर जनरल सीधे सीधे उन लोगों को बना दिया गया, तो वही गवर्नर जनरल कब से क्रिएट किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ही, वही क्रांति के बाद। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेन डिड मिस्टर एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडिया, देखिए ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, ठीक, पहला क्वेश्चन में पढ़े हम लोगों ने, वो बनाया गया था वो, ठीक है, तो वो उन लोगों ने कब इंडिया को दिया था ये ट्रांसफर पावर, कब अनाउंस हुआ था उसके थ्रू, उसके थ्रू ट्रांसफर ऑफ पावर जून 1948 को ट्रांसफ़र किया गया था, 1947 का कोई ऑप्शन मार के मत आ जाइएगा, जून 1948 को जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के मिस्टर एटली, उन्होंने अनाउंस किया था कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडियंस को दे दिया, मतलब पूरा का पूरा पावर जितना था वो अब इंडियंस के हाथ में आ गई, कौन से डेट में, जून 1948 को ही। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या दिया था, प्रियम्बल दिया था। हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन यूडीसी में, तो ये किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूछ रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग कौन सा इसमें सही है, मतलब कौन सा सही है कहने का मतलब है, कौन सा गलत है ये नहीं बताना, कौन सा सही है ये बताना है। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गलत है ये। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सबसे ज़्यादा लिया गया, लेकिन ये सिर्फ ओनली आ गया तो ये गलत हो जाए, क्योंकि और सारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया है। देखिए जैसे ये ऑप्शन सही है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो कि आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। इट इज़ ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं है क्योंकि ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला मिला के इसको बनाया गया, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, बाकी सब गलत। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, वही मैच द फॉलोइंग करने वाला है। 1919 में अभी हम लोगों ने देखा कि डायरकी लाया गया था, 1919 में क्या लाया गया था हम लोगों का, डायरकी रूल लाया गया था। तो 1919 में ए का 3 सही है, ए का 3 सही है, दिख रहा है, डी ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही ना पड़ी। मॉन्टे मार्लो रिफॉर्म द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान क्या लाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायर की, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया था। ठीक है, ऑप्शन जो ये चौथा वाला ऑप्शन दिख रहा है वो सही है। बस पहला को हम लोगों को पता था कि 1990 में क्या लाया गया था, डायर की लाया गया था। पहले का तीसरा, पहले का ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, ऐसा पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, पहले ये देखिएगा कि 1 2 3 4 किस ऑप्शन के साथ दे रखा है। अगर वो आपको पता है तो बाकी तीन ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ हमको दिख रहा है कि ए ऑप्शन के साथ 1 2 3 4 चारों है। अगर ए ऑप्शन को सही कर लिए तो हम लोग ऑप्शन अपने आप सही कर लेंगे। तो 1990 में पता है हम लोगों ने डायर की, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। डायरकी का ऑप्शन क्या था, फर्स्ट का थर्ड किस में, डी में सही हो गया। बाकी हम लोगों को ये भी पता है कि ये इसका पहला ये होगा, सेपरेट इलेक्ट मॉन्टो मार्लो, और ये कैबिनेट मिशन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। ठीक, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेट डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पैटर्न इन ऑन द पैटर्न ऑफ, मतलब अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया था, कहने का सीधा अर्थ है जो इंडिया में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना, ये सारे जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये लिया गया हम लोगों के साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन, तो पहला सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था जो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था वो कहाँ बना था, न्यू दिल्ली में बना था, तो वहीं पे पहला सेशन होगा ना। ठीक, इतने क्वेश्चन समझ में आ गए। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ऐसे अभी सारे सब्जेक्ट का ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन लाने वाले, सारे सब्जेक्ट का बेफिक्र होकर बस यही पढ़ते जाइए, बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कोई भी एग्जाम आ रहा हो जिसमें जीएस पूछता है, सब में ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इसमें से कौन नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल भी थे, कृपलानी भी थे, लेकिन ये जयप्रकाश नारायण उस समय इसके मेंबर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, के एम मुंशी भी थे, ये तीनों लोग थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, मतलब विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट मतलब वो स्टेट होता है जिसमें मतलब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं दोनों के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है और अपने दोनों लोग म्यूचुअल कोऑपरेशन से अपना काम करते हैं। तो वही पूछ रहा है इससे रिलेटेड कौन सा सही है। द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेट डाउन, ठीक है, जो दोनों का पावर होता है वो क्लियरली बताया गया रहता है, तो ये तो कंफर्म है, सही हो गया। दूसरा, इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो स्टेट सेंटर जो है स्टेट पे भारी पड़ जाएगा, तो सेंटर के पास स्टेट के पास कुछ रह नहीं जाएगा कि बताने के लिए भैया हमको भी इसके हिसाब से कुछ करने दिया जाए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे तो स्टेट क्लेम कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 बस सही है, 2 गलत है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेट डाउन, जो भी पावर है वो सब उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक, अंडर हुम अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947 बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कह रहा है कि किसके अंदर में 1947 में ही
हम लोगों का, मतलब उस समय के कहने का सीधा अर्थ है कि एडवाइजरी कौन थे, एडवाइजरी ब्रांच के हेड कौन थे, वो थे बी एन राव। अभी हम लोगों ने देखा कि बी एन राव जो थे वही एडवाइजरी कमेटी के हेड थे उस समय के, मतलब इनके एडवाइस के अंतर्गत अक्टूबर 1947 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया गया था, मतलब बना दिया गया था कुछ हिस्सा, बस इतना याद रखिएगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिटीजन के लिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ नेबरिंग कंट्री, ये भी नहीं है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, ये भी नहीं है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस एंड कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब कह रहा है इंडिया की रक्षा के लिए जब भी बुलाया जाए तो ये लोग तैयार हो जाएं। ये है इंडिया के लोगों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस वेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे। आज़ादी मिलने के बाद से क्या हुआ था कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से स्टेट को चार भाग में बांटा गया था, ए बी सी और डी पार्ट में बांटा गया था, कब? 1950 में। फिर इसके बाद से लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट हुआ था 1956 में, तो 1956 के बाद से स्टेट को, मतलब कुछ स्टेट, 14 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे उसके बाद से। लेकिन उसके पहले किस तरह से थे? ए बी सी डी चार टाइप के स्टेट थे। तो वही पूछा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट इनटू इस कैटेगरी में बांटा था, तो वो ए बी सी डी मतलब कहाँ से लिया गया था? तो जो ए स्टेट था ना, वो जितने गवर्नर के अंदर जो स्टेट थे उन सबको ए के अंदर रखा गया था। गवर्नर के अंदर जितने स्टेट हुआ करते थे उन सबको ए के अंदर रखा गया था। फिर उसका प्रोविंशियल कैटेगरी के अंदर जितने हुआ करते थे उनको स्टेट बी के अंदर डाला गया था। प्रोविंशियल यानी राज प्रमुख, राज्य मतलब जानते हैं ना। उसके बाद से जो सी और डी स्टेट थे, ये चीफ कमिश्नर स्टेट जो हुआ करते थे वहाँ से सी और डी लिया गया था। तो बस यही पूछ रहा है कि ए बी सी डी कहाँ कहाँ से लिए गए थे। ऑप्शन सी हम लोगों को दिख रहा है कि गवर्नर जो था वो ए स्टेट को हेड करता था, राज प्रमुख जो था वो बी स्टेट को, और कमिश्नर जो थे वो क्या करते थे? सी और डी, तीनों को। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही है हम लोगों का? सी ऑप्शन सही है, गवर्नर से हम लोगों को लिए। गवर्नर के अंडर में जो था वो कैटेगरी ए स्टेट बनाया गया था, राज प्रमुख के अंदर जो था वो कैटेगरी बी स्टेट बनाया गया था, और जो चीफ कमिश्नर के अंदर हुआ करता था वो कैटेगरी सी और डी टाइप का स्टेट बनाया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड ऑन जनवरी 26 बिकॉज, इस डेट को ही क्यों लिया गया था? क्योंकि इसी डेट को हम लोगों का इंडिपेंडेंस मना लिया गया था, कब? 1929 में ही, 26 जनवरी 1929 को ही इस डेट को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया गया था। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक हुआ था ना, क्या कहते हैं, सेशन हुआ था, वहीं पे इन लोगों ने पहले ही इंडिया को क्या कर दिया था, 26 जनवरी 1929 का डेट था, उसी रोज इन लोगों ने इंडिपेंडेंस डे मना लिया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही इसे प्रोमलगेट किया गया, उसी डेट के वजह से, ठीक, याद रखिएगा, बहुत बारी पूछा जा चुका है। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट टाइम किसके द्वारा गिवन दिया गया था? एम एन रॉय द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एम एन रॉय। कब दिया गया था? 1934 में इन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए अपने इंडिया का, या किसने दिया था? एम एन रॉय ने। महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर जो है इन लोगों द्वारा नहीं दिया गया था, एम एन रॉय द्वारा दिया गया था, कब? 1934 में। अब अगला कह रहा है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, जितने मेंबर थे वो कहाँ से लिए गए थे? इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, बाकी दो ऑप्शन कहाँ पे? नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड वनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो जो जितने थे वो सब क्या थे? इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली द्वारा। प्रोविंशियल असेंबली जितना उस टाइम हुआ करता था वहाँ से इन लोगों ने इलेक्ट करके लाया था, किसको? जितने मेंबर हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, याद रखिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग कौन सा इसमें से सही है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बेस्ड नहीं था। ये तो गलत है, क्योंकि उस समय एडल्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड था। इट वॉज रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, ये भी गलत है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रोविंशियल में इलेक्शन हुआ था, बाकी और जगह चुन चुन के जो जो राजा महाराजा वाले थे वहाँ से लोगों द्वारा चुन चुन के भेजा गया था, ठीक है। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, हाँ उस समय मल्टी पार्टी हुआ करता था, मुस्लिम लीग भी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी था,
और भी ढेर सारी स्टेट की पार्टियां थी, तो मल्टी पार्टी था, तीसरा तो सही है। इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, हाँ सेवरल कमेटी उस टाइम भी हुआ करते थे, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा और चौथा सही है, बाकी सब गलत है। एडल्ट फ्रेंचाइजी था उस समय, वो 21 साल के ऊपर जितने हुआ करते थे वोट देते थे। 1961 में अमेंडमेंट ला के उसको 18 साल किया गया था, ठीक है। 21 साल के ऊपर वाले जितने थे वोट देते थे। डायरेक्ट इलेक्शन भी था, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी था, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, बाकी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेबली, वही कह रहा है कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें कौन कौन लोग इसमें मेंबर नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल थे, सबको पता है, के एम मुंशी भी थे, कृपलानी भी थे, लेकिन गांधी जी बेचारे नहीं थे, गांधी जी इसके मेंबर बने ही नहीं कभी भी, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडिया बिकम सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इसको सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया था, याद रखिएगा। 15 अगस्त 1947 नंबर के आइएगा, 26 जनवरी 1950 के बाद से ही पूरा पूरा मिला था, क्योंकि 1948 में अभी आप लोगों ने देखा क्या हुआ था, पावर ट्रांसफ़र हुआ था, तो 1948 में जब पावर ट्रांसफ़र हुआ तब ना इंडिया पूरी तरह आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 में जब अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल होना शुरू हुआ, तब जाके ये सोवरेन और डेमोक्रेटिक बना, तो 26 जनवरी 1950 को ही इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेटिव बाई कैमरल, बाई कैमरल किसने बताया, 1919 में ही बताया ना, डायरकी सिस्टम लाया था वहीं से बाई कैमरलिज्म स्टार्ट हुआ था। बाई कैमरल कहने का अर्थ है कि मतलब दो दो मतलब बनाया गया, जैसे राज्यसभा लोकसभा भी है ना, उस समय भी दो दो बना दिया गया, वही होता है बाई कैमरल। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी दे सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1900, इंडियन 19 ये तो कभी हुआ ही नहीं 1900 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पॉपुलर एलिमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इंट्रोड्यूस किसने किया, किस में हुआ था, ये हम लोगों का इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में ही हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलर एलिमेंट का मतलब स्टार्ट हुआ था, बस इतना याद रखिएगा। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वेस्टेड द रेसिड्यूरी पावर इन द, अब जो रेसिड्यूरी पावर होता है वो किसके अंदर दिया था, ये हम लोगों को होता है गवर्नर जनरल के अंदर, उस समय गवर्नर जनरल के अंदर हुआ करता था रेसिड्यूरी पावर, जैसे होता है एक पावर होता है सेंट्रल पावर के, उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपना खुद का बना सकता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट उसके अंदर स्टेट वाला बना सकता है, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट उसमें दोनों बना सकते हैं स्टेट और सेंट्रल, लेकिन चौथा जो होता है रेसिड्यूरी, जो इन सब के बाद जो बच जाता है उसको रेसिड्यूरी पावर बोला जाता है। तो उस समय 1935 का जो एक्ट था उसने रेसिड्यूरी पावर किसको दिया था, गवर्नर जनरल को दे रखा था, ठीक है, तो गवर्नर जनरल को उस समय रेसिड्यूरी पावर दिया गया था, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कौन सा एक फीचर नहीं था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था उस समय, डायरकी था, डायरकी एट सेंट्रल भी था, लेकिन बाई कैमरल लेजिस्लेशन उस समय नहीं हुआ करता था, बाई कैमरल लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से नहीं लाया गया था, 1919 लाया गया था, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, बाई कैमरल लेजिस्लेशन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का फीचर्स नहीं है, याद रहेगा ना। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच आर फॉलोइंग एम डेट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर किसके द्वारा लाया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 द्वारा लाया गया था, ठीक है। 1909 से आपने देखा क्या लिया गया था, इलेक्शन और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, 1919 से हम लोगों का लिया गया था डायरकी का सिस्टम या बाई कैमरलिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया गया हम लोगों का, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक। वट वॉज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के हिसाब से कौन सा सही है, कम्प्लीट इंडिपेंडेंस गारंटी, डीसी के थ्रू कम्प्लीट इंडिपेंडेंस गारंटी हम लोगों को मिला था कि अब इंडिया
मतलब आज़ाद हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग का टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल सोर्सेस। प्रियम्बल से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या क्वेश्चन आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने पहला चैप्टर जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख लिया। अगला टॉपिक हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रियम्बल सोर्सेस, मतलब प्रियम्बल के सोर्स से कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली जा चुकी है, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरा चैनल का नाम भी बड़ा सा दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या करिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।